Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम कपिल सिंगल है. मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिछले 88 से मैं प्रैक्टिस में हूँ और जनता की सेवा में भी हूँ, लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ, देश की सेवा भी कर रहा हूँ. चैलेंजिंग लाइफ होती है वही जीने का मज़ा होता है, बाकी डल लाइफ में कोई मज़ा नहीं. और मैं हमेशा चैलेंज लेकर लाइफ को जीता हूँ. मेरे को देने में बड़ा मज़ा आता है जो है ना. मेरी जेब में अगर 500 रुपए हैं और किसी ने मेरे से मांग लिए तो मैं हेजिटेट नहीं करता कि मेरी जेब में पैसा बचा नहीं बचा. मैं कोशिश करता हूँ इसकी इच्छा पूरी करूँ. मेरी जेब में तो आ ही जाएंगे, उसकी जेब में शायद मिले ना मिले उसको. वो अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करता हूँ हमेशा जो है ना. चुनौती बहुत मिली है, स्ट्रगल बहुत किए हैं, अपनों को बहुत खोया है मैंने यहाँ पे. लेकिन गिरता रहा, लुढ़कता रहा, चढ़ता रहा, चलता रहा, तो आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं मेरे साथ शक्ति है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, इवन मेरी पत्नी का भी आशीर्वाद मेरे साथ है और बड़े बुजुर्गों का तो है ही है. मेरा बर्थ है हरिद्वार का, जो उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है. वहीं पे 6-7 साल मैंने बिताए. मेरे पिताजी जो हैं यूपी रोडवेज में काम करते थे, एक फिटर की नौकरी थी उनकी. तो जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे को जो है ना माताजी पिताजी की स्थिति कुछ हो सकता है ऐसी हो, तो उन्होंने मेरे को गांव में भेज दिया. तो मेरे को दादी बाबा के पास में रह के गाँव में पढ़ा हूँ, जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है. दादी जी मेरी जो है ना रूढ़ी देवी थी. मेरे जो ग्रैंड फादर थे, बाबा जी थे, वो कश्मीरी लाल जी उनका नाम था. उनके सानिध्य में ही मैंने गांव में ही 8वीं तक कक्षा तक पढ़ाई करी. उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी होगी 78 में. तो फिर हम 9th क्लास में मुजफ्फरनगर मैंने फिर एडमिशन लिया. SD कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री करी, ग्रेजुएशन वहीं से किया. फैमिली चाहती थी नौकरी करे, लेकिन मेरे को पढ़ना चाहता था. तो एक CA प्रोफेशन मैंने अडॉप्ट किया. BCom करने के बाद मैं CA करने दिल्ली आया. यहाँ पे मेहनत करी और जितनी भी जल्दी CA हो सकती थी मैंने अपनी CA जो है ना 3 साल में पूरी कर ली. 89 से फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी. धीरे 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 काउंटिंग से स्टार्ट करके 2000 पे, 3000, 4000 ऐसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई. माया देवी था मेरी अम्मा का नाम. मेरा एक्चुअली क्या है, रोल मॉडल मेरी मदर ही है. एक्चुअली क्या है ना, जब से हमने बचपन से अपना होश संभाला था तो मदर बहुत ही केयरिंग थी हमारे को लेके, बच्चों को लेके पर्टिकुलरली. और बड़ा ही उन्होंने अपना रोल पूरा अच्छे से, जो मदर का रोल होता है, उन्होंने अदा किया. हमारे एक्चुअली फैमिली में संस्कार यही है कि अपने बड़ों को जितना भी रेस्पेक्ट कर सकते हो, माँ बाप की सेवा कैसे कर सकते हैं, अपने से जितने भी बड़े हैं, गुरुजन हैं, एटलीस्ट उनको, उनसे मुंह फेर के मत चलो, उनके सामने आओ, नमस्कार करो, उनका आशीर्वाद लो. ये संस्कार हमारे माँ बाप ने हमें दिए. हाँ, मेरे पिताजी का नाम है रमेश्वर. वो भी इस दुनिया में नहीं है अभी, लेकिन क्योंकि जितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, हरिद्वार में जो जॉब होती थी लेकिन दिल्ली अप डाउन करते थे वो. रात को चलते थे, फिर सुबह फिर जाते थे हरिद्वार जॉब करने के लिए. क्योंकि रोडवेज में थे तो किराया बस का लगता नहीं था, लेकिन घर की रोटी मिल जाती थी उनको जो है ना. तो बहुत ही उनकी मेहनत जो है ना मेरे लाइफ में जो है ना बहुत बड़ा जो है ना रोल अदा करती है. उनका मेरी लाइफ का इंस्पिरेशन तो मैं खुद ही हूँ वैसे, मैं सही मानूँ तो. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है और स्ट्रगल से ही सीखा है. मेरे को दुनिया ने बहुत सिखाया है. जनरली क्या था, जब मैं CA करने आया तो लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे कि गांव का है, CA करने आया. लेकिन वो सब मेरे लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल गया, वो मेरे लिए जो है ना कि नहीं, आई कैन डू,
मेरे माइंड में ये सब चाहे नहीं नहीं ये हम सब कर सकते हैं सब चीज़ें। ये मैंने मेरे अपने पेरेंट्स को जब देखा, मतलब एक वक्त की रोटी मिलती थी और दूसरे वक्त से सोचना पड़ता था, वो मेरी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को मेहनत करके कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम लोग वैसे तो चार भाई बहन थे, लेकिन भगवान ने हमारे से जो है ना, एक मेरा भाई यंग 21 साल में और एक मेरी बहन छोटी हरिद्वार में 7-8 साल की थी, वो भगवान ने छीन लिया हमारे से जो है ना। अभी एक मेरी बड़ी बहन है, वो ऋषिकेश में रहते हैं, उनका अच्छा अपना वेल सेटल्ड है, श्रीमती जयरानी उनका नाम है, और बच्चे उनके एक अमेरिका में रहता है, एक ऋषिकेश में रहते हैं, उनका व्यापार है वहाँ पर ऋषिकेश में। यानी मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज आए। मेरी लाइफ में सबसे पहले मैं अपनी बहन को खोया, जब मैं छोटा था तो मैं 7 साल की उम्र में था, तो मेरी बहन को हरिद्वार में जो है ना उसकी डेथ हुई है, उसको खोया मैंने। उसके बाद जब मेरी शादी 89 में हुई, उसके 2 महीने बाद ही मैंने अपने यंग ब्रदर को खोया, वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा, मेरे को मैरिज का जो है ना फिर कोई सब चार्म ख़त्म हो चुका था मेरा जो, क्योंकि 2 महीने बाद ही इतना बड़ा इंसिडेंट होना। मेरे माता पिताजी का भी व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो गया उससे अब से, तो लेकिन मैं फिर भी उन सबको लेता हुआ पूरे परिवार को इकट्ठा लेके चला। उसके बाद 2002 की इंसिडेंट मेरी लाइफ का बिल्कुल ख़त्म करने वाला इंसिडेंट हुआ, जब मैं कैलाश मानसरोवर गया हुआ था, तो पीछे मेरे चोरों की नज़र थी कि उनको मार के ही हम लूटपाट कर सकते हैं, तो बस वो इंसिडेंट मेरी लाइफ का मेरे को तोड़ दिया उस इंसिडेंट ने, जो भी दुर्घटना मेरी लाइफ में घटी। लेकिन फिर मेरे को भगवान ने संभाला, फिर मेरे को हिम्मत आई, फिर मैंने अपनी लाइफ को अपने आप को खड़ा करा, तो फिर मैंने अपने बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में डाला, उनको अच्छी एजुकेशन दी देहरादून में, बहुत अच्छी एजुकेशन करके वो आज जो है ना अपने पैरों पे खड़े हैं, और मैं बहुत अच्छा अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि आज मेरे बच्चे इतना कुछ संघर्ष करने के बाद भी इतने अच्छे स्कूल में पढ़े, टॉपर आए, तो ये मेरे अपने लाइफ के सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आज, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था अपने चिल्ड्रन में, अपने परिवार में, वो आज फ्रूट दे रहा है, मेरे को फल दे रहा है वो सब चीज़ें। मेरी शादी 89 में हुई थी और मेरी वाइफ ने मेरे को 3 कोमल से बच्चे दिए, जो भगवान की दया से आज बहुत अच्छे फल फूल रहे हैं बच्चे। मेरे वाइफ का नाम साधना था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी बहुत जल्दी मेरे को 2002 में छोड़ के, मतलब एक एक्सीडेंट में चली गई, लेकिन आज भी मेरे पूरे दिल में उनका जो है ना तस्वीर बसती है। और बहुत ही इतनी, मतलब देवी का अवतार थी मेरी वाइफ जो है ना, बहुत ही सहनशील थी, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी पत्नी मेरे जीवन में आई, जिन्होंने अपना जीवन दे के भी आज मेरे को सब कुछ सुख दे रखे हैं कि 3 बच्चे दिए और बच्चे इतने लायक मिले मेरे को, तो मैं तो उनका हमेशा ऋणी रहूँगा अपनी पत्नी का। मेरे बड़ा बच्चे का नाम है प्रणव सिंगल, बीच में दिव्या है, वो दिव्या सिंगल है, लड़की है, तीसरा श्रेय सिंगल है। मेरे बड़े बच्चे ने तो MBA किया है, कमलनाथ जी का इंस्टीट्यूट है, अच्छा बिजनेस स्कूल है, वहाँ से किया है उसने, और बिटिया CA है, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी जो है ISB हैदराबाद में एडमिशन हुआ है। छोटा बेटा है, वो BBA किया था, नारसिमुंजी से किया था उसने, वो अभी जॉब में है, अभी स्टार्टअप में है। वो बड़े बेटी की शादी होगी अभी, तो वो लड़की भी जो है ना, वो गाज़ियाबाद से ही उसने MBA किया था, तो सी इज फ्रॉम बॉम्बे और रश्मि उसका नाम है। His risk taking ability, he takes so many risk in life which have paid off, and something that really inspires me to become a better person. He's so loving, so caring. He's given us the love of both mother and father after our mother passed away. And it's not easy for a man to express his emotions. I've seen that in myself as well. So being so caring is something that really inspires me, and I will take it forward to the next generation. It's been almost a year that I became part of the family, and it just feels like yesterday. And at the same time, it feels as if we have known each other for so long. He has made me feel really comfortable, loved, and cared.
and he has given me the encouragement to follow my dreams, pursue my ambitions, and that is such a big thing. He really is an inspiration. He believes in giving and kindness. So over the past year, I have seen him donate food, clothes to anyone who is needy. So I have seen that he is someone who believes in giving others what they need. He derives joy out of it, seeing other people smile. And that, I think, is something that we all must learn, especially for me. So I think that is one thing that really inspires me about him, that one must learn the joy of giving. बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल जरूर करना चाहिए, और अपने लाइफ में अपने जितने भी एल्डर्स हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, बाबा जी हैं, इनका कभी भी जो इन्होंने संघर्ष किया उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम पैसे हो जाएं या हो जाएं, लेकिन हमें उस डाउन टू अर्थ जो हमारी पोजिशन रही है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, अपने जिस गली में हम खेले हैं उस गली को नहीं भूलना चाहिए, उस गांव को। तो ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा बच्चों को कि कम से कम एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो ध्यान रखें कि हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन अपनी जो पुराने संस्कार है, अपने जो माँ बाप के ख्याल हैं, जो और विचार थे, उसको ज़रूर अपने साथ रखें। He has continued to inspire me every day for years now. I was very young when I went to boarding school, but you know, our weekly phone calls and you know, monthly outings used to really inspire me to work my hardest despite the circumstances that we were under. And it's all because of his, you know, motivation and life story that I've had to push myself harder and harder each time. He inspired me to pursue the chartered accountancy and, you know, work on the stock markets after that. And each little thing, like, I love working out. I think I completely inherit that from my father. And we have very similar interests. I also ran a social venture because I've seen him work so closely with the social sector ever since I was a child and how much happiness he derives from it. So that is something that, again, I feel similarly because I've grown up watching him do that every day. And it's just like he's the perfect example of how much love a parent can give to their child. He's always pushed me to pursue my own dreams. I'm so ambitious and career-oriented today because of the way he brought me up. And you know, I'm a no-nonsense person because of the values that he gave me, and I owe everything to my father. So, started off very early. I mean, we all went to a boarding school, and Dehradun is 4 hours away, 4 to 5 hours away. That time, 6-7 hours lagte the. So, I used to travel with him to pick my sister and brother and meet them. सो 6-7 hours पे लाइफ लेसन शेयर करते रहते थे, हाउ हिज स्टोरीज वर, हाउ ही फॉट विद ऑल द सोसाइटी एंड बिकेम वॉट ही इज़ एंड हाउ डिसिप्लिनड ही हैज़ बीन थ्रू आउट हिज लाइफ। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेड रॉक ऑफ हाउ आई थिंक एज वेल। एंड लेटर ऑन पोस्ट दैट, येस दैट वॉज द बेड रॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन हाउ all our relatives look up to him and respect him. So wherever he goes, they really value what his opinions are. संगीत में, क्योंकि मेरी बिटिया ने ये कारवा मेरे को गिफ्ट दिया था, तो मैं ये ज़्यादा सुनता रहता हूँ। तो एक जनरली ज़्यादा मेरे को फेवरेट है, मेरे महबूब कयामत होगी, आसरू सुआ तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, ये मैं गाना जनरली हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। वैसे तो गाने पुराने मोहम्मद रफ़ी के, लता जी के काफ़ी अच्छे सुनते हूँ, और जब अकेला हूँ तो थोड़ा सा ऐसे भी गाने आते हैं, दर्द भरे गाने भी सुन लेता हूँ, मुकेश जी के भी सुनता हूँ। शुरू से मेरे को जो है ना, पिक्चर देखने का या फिल्म का मेरे को कभी शौक रहा नहीं है। वैसे जनरली न्यूज़ का मेरे को ज़रूर शौक है, मैं न्यूज़ ज़रूर देखता रहता हूँ, या फिर जैसे अभी एक कपिल शर्मा शो है उसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कभी कभी।
हॉबीज़ मेरी मॉर्निंग वॉक और मेरे को एक्सरसाइज करना, योग करना, ये मेरा हॉबी है, पैसन है मेरा जो है ना, इसी को मैंने लाइफ में फॉलो किया है। और मेरी सबसे ज़्यादा हॉबी है सोशल काम करना। मैं सोशल काम करने में मेरे को बहुत विश्वास है। मैं छोटे बच्चों की जितने भी मदद कर सकता हूँ, किसी तरह का भी कोई काम करना, मेरे को छोटा मोटा काम सोशल में जाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और उनके साथ रहना, टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लाइफ का नाम स्ट्रगल है एक्चुअली। आदमी थोड़ी देर के लिए कि कुछ मिल गया उसको ये होगा, लेकिन स्ट्रगल करना लाइफ का ध्येय है, उसको एक पैशन मान के जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, उसी में उसको खुशी मिलनी चाहिए। जब मेरे घर में 2002 में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से मेरी आस्था बहुत बढ़ गई ईश्वर के प्रति। हालांकि मैं पहले से ही जो है ना सारे तीर्थ कर चुका, मैं चारों धाम कर चुका, ज्योतिर्लिंग 12 कर चुका, वाइफ के साथ भी जा चुका, फैमिली के साथ भी जा चुका, ईश्वर में आस्था पूरी है मेरी। लेकिन 2002 के बाद मेरी आस्था टूट गई थी, लेकिन 2003 में फिर मेरी आस्था जागी। भगवान ने मेरे को बड़ी हिम्मत दी। मैंने तीनों बच्चों को अपने बोर्डिंग स्कूल में डाला जहाँ कि मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैं उस टर्निंग पॉइंट को, लाइफ को नहीं भूल सकता जब भगवान ने मेरे को ऐसा कमाई हुई मेरी छप्पर पाड़ के, जैसे बच्चों की फीस भी भरेगी और मैं आगे बढ़ता चला गया। तो भगवान में मेरी पूरी आस्था है। मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। पर्टिकुलरली मैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल ट्रैवल में ज़्यादा करता हूँ, पिलग्रिम ट्रैवल में ज़्यादा करता हूँ। तो कोशिश रहती है कि कहीं भी जाऊँ तो एटलीस्ट मैं भगवान के दर्शन करूँ और किसी तीर्थ स्थान पर जाके एक दो दिन बिताऊँ। मेरे को ट्रैवलिंग का शौक बहुत है। मैं विदेश में भी गया हूँ, मैं दुबई गया, थाईलैंड गया। तो ऐसे दुबई में मेरा बच्चा पढ़ता था तो मैं उस चक्कर में गया था। हिंदुस्तान में मुझे हिली एरिया, गंगा का किनारा मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं हरिद्वार ऋषिकेश में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गंगा जी का निर्मल जल, मेरे को बहुत शांति मिलती है वहाँ जाके, गंगा किनारे बैठ के उनकी आरती देख के बहुत लाइक करता हूँ मैं। वृंदावन भी मैं रेगुलर जाता रहता हूँ। मेरे लाइफ में, मैं सही में बताऊँ, प्रैक्टिकली मेरा काम में मन नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भगवान की दया से, भगवान दे भी रहा है कि मेरे पास अगर जितना भी पैसा हो और पूरा का पूरा भी बांट दूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है पूरा बांट दूँ पैसा करके। मेरा पूरा ध्येय समाज की तरफ रहता है, उस गरीब तबके की तरफ रहता है, अनवांछित जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ करूँ मैं देना। मेरी इच्छा हमेशा यही रहती है। और गौ माता की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना, मेरे को मज़ा आता है। एक्चुअली क्या है, मैं कभी कभी गौशाला में जाता हूँ तो जब उन गौ माता के पूछ पे हाथ फेरता हूँ, कमर पे हाथ फेरता हूँ, मुंह पे हाथ फेरता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कभी झुग्गी झोपड़ी में जाता हूँ, वहाँ बच्चों को मिलता हूँ, छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, उनको देखता हूँ, नहीं यार हम बर्गर खाते हैं या हम पिज़्ज़ा खाते हैं यार, इनको भी मिलना चाहिए। तो कोशिश करता हूँ कुछ कुछ शेयर करूँ उनके साथ भी जो है ना। मेरे को पैसन है, मेरा पैसन है। अभी लॉकडाउन में भी हमने बहुत कोशिश करी कि कुछ मदद कर सके। युवाओं को मैं चाहूँगा कि जो आज का कंप्यूटर युग है उसमें ज़रूर काम करें, लेकिन अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि आजकल का युवा बस कंप्यूटर पर लगा रह गया, नौकरी नौकरी नौकरी, इसके अलावा अपने बारे में नहीं सोचते वो। तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ज़रूर अपने शरीर पर ध्यान दे और कम से कम एटलीस्ट सुबह 2 घंटे तो अपने लिए यूज करें, पार्क में जाएं, योग करें, जिम करें, कुछ भी करें। शरीर को ज़रूर जो है ना फिजिकली एक्टिविटीज़ बहुत करना चाहिए, और माँ बाप का स्पेशली जो है उनको ध्यान रखना चाहिए। इंडियन स्टोरी जो आपने बताया, ये वाकई में मेरे को आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और जिस हिसाब से आप कवर करते हो, एक पर्सनल लाइफ जाके लोगों की कवर करते हो, ये वैसे सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। आदमी को फील होता है कि कम से कम कोई तो मेरी लाइफ में सुनने के लिए आया। और मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँ इसको सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें, और मैं कोशिश करूँगा और भी लोगों से आपको जुड़वाऊँ। जो लोग अंदर छिपे बैठे हैं, जिनका दर्द अंदर से है, उनको दर्द आप लेके आते हो सामने, लोगों के सामने लेके आते हो, तो शायद वो दर्द दूसरों को देखने के बाद शायद उनको कम लगे कि मेरा दर्द कम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी जो इंडियन स्टोरी है, वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, और मैं आपको भगवान की बहुत हैट्स ऑफ टू यू नमस्कार करता हूँ।
Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel